हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम डेली क्लासेज यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। कल आपको हरियाणा जी के हिंदी और मैथ की क्लासेज मिल रही हैं। इन फ्यूचर हम यहां पर आपको नेशनल जीके की क्लासेज भी अपलोड कराएंगे, साइंस की भी कराएंगे और रीजनिंग की भी, साथ में इंग्लिश की। दूसरा, जो मैं क्लासेज अपलोड कर रहा हूँ मैथमेटिक्स की हैं। तो मेरा आज का जो टॉपिक होगा वो एचसीएफ एलसीएम को लेके होगा। टॉपिक की शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, और आपके जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आते हैं उनके लिए सारे क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बचेगा। तो हम थोड़ा एचसीएफ एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में HCF को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक। बड़े फैक्टर के बारे में मैंने वीडियो एक अपलोड कर रखी है पहले, आप उसको देख सकते हो कि फैक्टर क्या होता है। थोड़ा फिर से हम बता देते हैं कि फैक्टर क्या होता है, कि वह संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे। ठीक है ना, कि वह संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे तो वह उस संख्या का क्या कहलाएगी? फैक्टर कहलाएगी। किसी भी संख्या के जो फैक्टर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। किसी संख्या के एक आता है, किसी के दो आते हैं और किसी के दो से अधिक आते हैं। काउंटिंग नंबर वन होता है, उसका केवल एक ही फैक्टर होता है हमारा, वन। उसके अलावा ज्यादातर सभी संख्याओं के कम से कम दो फैक्टर तो होते ही होते हैं या फिर दो से अधिक होते हैं। और जिनके दो फैक्टर होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं, और जिनके दो से अधिक होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। बेटे, हमें देखना है कि हम एचसीएफ एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं। दूसरा, एचसीएफ एलसीएम में हमारा एक फॉर्मूला होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ठीक है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर क्या होता है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। इसको हम दूसरे तरीके से और बोल सकते हैं कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कि दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है फॉर्मूला। तो आज हम क्वेश्चन इन्हीं पे करेंगे कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, और दूसरा हम देखेंगे कि एचसीएफ एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है। तो हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो बेटे, आपका पहला क्वेश्चन है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1820 एंड दियर एचसीएफ इज 26। इफ वन नंबर इज 130 देन द अदर नंबर इज। कि दो संख्याओं का एलसीएम 1820 है और उनका एचसीएफ 26 है, यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। और हम अप्लाई कब करते हैं? जब हमें एचसीएफ एलसीएम दोनों दे रखे हों और दूसरा दोनों नंबर में से कोई सा एक नंबर गिवन हो। तो हमारे पास एचसीएफ कितना है? 26, और एलसीएम कितना है? 1820। फर्स्ट नंबर दे रखा है 130, सेकंड हमें निकालना है।
तो कैलकुलेट करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 13 से डिवाइड 2 पे, 2 से मल्टीपल कर देंगे, कितना आएगा 364। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन यहां पे सही होगा। फिर से बता रहे हैं आपको, ये फॉर्मूला अप्लाई कब करना है, जब आपको HCF LCM दोनों के बिन हो, दूसरा दोनों नंबर में से कोई सा एक नंबर दिया हुआ हो, या फिर दोनों नंबर पता हो, HCF LCM में से कोई सा एक दिया हो। आगे क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन बेटे, दो संख्याओं का HCF 15 है और उनका LCM 300 है, यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऑप्शन पहला 50, दूसरा 65, तीसरा 75 और लास्ट ऑप्शन आपका 100। तो वही रूल फिर से फॉलो करेंगे हम। तो फॉर्मूला क्या था, HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो हमारा HCF दे रखा है 15 और LCM कितना है 300, नंबर के बिन है 60-60, सेकंड हमें निकालना है, फिर डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 6 से 30 डिवाइड हो जाएगा 5 पे, 15 की और 5 की गुना करेंगे, 15 गुना 5 हमारा 75 होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। क्लियर है, समझ आ रहा होगा सभी को, नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आगे क्वेश्चन बेटे, कि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 12 है और 336 है, यदि एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। पहला ऑप्शन 36, 72, 48, 96। बेटे आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे और इसका आंसर जो भी आएगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे, पिछले ही क्वेश्चन पे बेस है ये। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है, एक तरीके से होमवर्क मान लो, आंसर को कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन बेटे, फाइंड द LCM 2/3, 4/9, 5/6। बेटे क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन में दे रखा है और हमसे पूछ रहा है LCM। तो बेटे इसमें हमें क्या करना है, अगर हमें फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में LCM निकालना है तो ऊपर वाली जो संख्या होती है उनका हमें LCM निकालना होगा और नीचे वाली संख्याओं का HCF। कहने का अर्थ है जो न्यूमिरेटर है उसका LCM निकालेंगे और डिनोमिनेटर का HCF। तो न्यूमिरेटर कितना हो रहा है हमारा 2, 4 और 5, तो इनका तो हम निकालेंगे LCM। अपॉन वाले जो नंबर हैं 3, 6, 9, इसका निकालेंगे बेटे HCF। और जब भी आप LCM HCF निकालो तो इन्हें सीक्वेंस में लिखना है। तो 2, 4, 5 का LCM निकालेंगे बेटे, तो डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड 1 पे, 4 डिवाइड हो जाएगा 2 पे, 2 से 5 डिवाइड नहीं होता, सेम लिख देंगे। इससे आगे फिर 2 से डिवाइड कर देंगे और 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 गुना 2, 4 होगा और 4 के गुना 5 से करते हैं तो कितना आएगा 20 आएगा। तो LCM तो आ गया 20। अब नीचे वाली जो संख्या दे रखी है 3, 6 और 9, इनका निकालना बेटे HCF। और जब हम HCF निकाल लेंगे तो यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हम एक ऐसा नंबर लेंगे जिससे सारी संख्या क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, ये कॉमन नंबर लेना है और कॉमन नंबर ऐसा होगा जिससे आपके तीनों संख्या जो दे रखी है वो क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा है बेटे, ये वो है 3, 3 से डिवाइड कर देंगे 1, 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा 2 पे और 9 डिवाइड हो जाएगा 3 पे। इससे आगे फिर से आपको ऐसा ही नंबर देखना है कि जो तीनों संख्याओं को डिवाइड करेगा,
तो बेटे ऐसा अब कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर देगा। अगर मैं दो से डिवाइड करता हूं तो तीन नहीं होता, और तीन से करता हूं तो दो डिवाइड नहीं होता। तो एचसीएफ में केवल वही नंबर लेना है जिससे हमारी सारी संख्याएं डिवाइड हो जाए। बेटे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा बेटे इसका? इसका आंसर बन जाएगा 20 बटे में हो जाएगा 3। ऊपर वाली संख्याओं की वैल्यू ऊपर लिखोगे, नीचे वाली संख्याओं की वैल्यू नीचे लिखेंगे। तो हमारा ऑप्शन यहां पर कौन सा सही आएगा? सी ऑप्शन सही होगा, 20 बटे में। फिर से बता रहे बेटे कि क्वेश्चन जो फ्रैक्शन वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा, अगर एचसीएफ पूछा जा रहा है तो न्यूमिरेटर का हम एचसीएफ निकालेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होगा। यदि एलसीएम पूछा जा रहा है तो न्यूमिरेटर का एलसीएम रहेगा और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। कहने का अर्थ है क्वेश्चन में जो पूछा जाता है ऊपर वाली संख्याओं का आपको वही निकालना है और नीचे वाली संख्याओं का उसका अपोजिट निकालेंगे। क्लियर है? तो आगे क्वेश्चन बेटे और करने वाले हैं ऐसे ही हम फ्रैक्शन वाले। तो अगला क्वेश्चन आपका फाइंड द एलसीएम। तो एलसीएम निकालना बेटे, अगर एलसीएम निकालना है तो फिर से ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम रहेगा और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो हमारी संख्या है 11, उसके बाद 33, उसके बाद 44 और उसके बाद 55। बेटे ऊपर वाली संख्या 11 है, 55, 33, 44। मैंने इनको सीक्वेंस में लिखा है और आप भी इनको सीक्वेंस में लिखा करें। तो किससे डिवाइड हो जाएगा बेटे 11 से? 1 पे, 3, 4, 5। इससे आगे डिवाइड कर लेंगे 3 से, 1, 1, 3 से 4 डिवाइड नहीं होगा, 5, 4 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। इससे आगे बेटे 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे और 5 को 5 से डिवाइड कर लेंगे। बेटे इसका जो एलसीएम बनेगा वो क्या हो जाएगा? 3 गुना 2 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 की गुना 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 660। ठीक है, तो एलसीएम तो आ गया 660। अब नीचे वाली संख्या है उनका एचसीएफ निकालना है। नीचे वाली संख्या 14 है, 35, 42 और 63। तो बेटे फिर से कह रहा हूं, मैंने सीक्वेंस में लिखा है, सेकंड नंबर पे 42 था, मैंने उसको थर्ड पे लिया है, उससे पहले किसको लिया है? 35 को लिया है। अब इनका निकालना है एचसीएफ। फिर से ध्यान देंगे तो एचसीएफ में बताया था कि हमें कॉमन नंबर लेना है जिससे सारी संख्या डिवाइड हो जाए। अब सबसे आगे वाले नंबर को देख लो, कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। अब 14 या तो 2 से भाग होगा या फिर 7 से होगा, ठीक है ना? कि सबसे आगे संख्या है 14 है, 14 को हम 2 से भाग कर सकते हैं या फिर 7 से। तो मैं 2 से ट्राई करता हूं तो 2 से 35 भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए हम 2 तो ले नहीं सकते। अब बात करते हैं 7 की, 7 से 14 भी भाग हो जाएगा, 35 भी हो जाएगा, 42 भी और 63 भी। तो हम 7 से भाग कर देंगे, 7 से 2 पे 5, 6 और 9। तो मैंने सभी संख्याओं को 7 से भाग कर दिया। इससे आगे बेटे ऐसा कोई नंबर है नहीं अब जो चारों संख्याओं को भाग कर दे, तो इसका एचसीएफ क्या बन गया? 7 बनेगा। तो आंसर क्या बनेगा बेटे इसका? तो एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा 660 बटे में 7। ऊपर वाली संख्याओं की वैल्यू क्या आई थी? 660 और नीचे वाली की 7। तो आंसर सही कौन सा होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा सभी को? अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें। तो आगे क्वेश्चन बेटे, अब की बार आपको एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ रहेगा और नीचे वाली का एलसीएम होगा।
फिर इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली का एलसीएम रहेगा। ऊपर वाली संख्या है 9, 12, 18, 21, तो एचसीएफ निकालना है। फिर से वही कंडीशन ध्यान रखनी है एचसीएफ में कि सारे नंबर किसी एक संख्या से भाग होने चाहिए। तो सबसे आगे दे रखा है 9, अब 9 केवल 3 से भाग होगा, ठीक है ना। अब 3 से ट्राई करो, 3 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा, 18 भी, 21 भी, तो 3 से भाग कर लेंगे, 3 से 3 पे 4, 6 और 7। इससे आगे और कोई नंबर है नहीं हमारा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। एचसीएफ में बेटे केवल तभी तक भाग करना है जब तक सारी संख्याएं किसी कॉमन नंबर से भाग जा रही हो। जब भाग होनी बंद हो जाए तो क्वेश्चन को वहीं पर रोक देना है। अब एलसीएम निकालेंगे, 10, 25, 35 और 40। एलसीएम में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, आप केवल एक संख्या को भाग करके ट्राई करोगे, बाकी नंबर अगर भाग जाते हैं तो भाग कर देंगे, अगर नहीं जाते हैं तो सेम लिख देंगे। तो 2 से भाग कर लेंगे 5 पे, 2 से 25 भाग नहीं होता, 35 भी नहीं होता, 40 भाग हो जाएगा 20 पे। 5 से भाग कर लेंगे 1, 5 पे, 7 पे, 5 से 4 पे भाग। इससे आगे 5 से भाग कर लेंगे, 5 से 7 भाग नहीं जाएगा, 4 भी नहीं जाएगा, 7 से भाग कर लेंगे 4, 4 को 2 से भाग कर लेंगे 2 को फिर 2 से भाग कर लेंगे, ठीक है। तो गुना करते हैं, 2 गुना 5 10, 10 गुना 5 50, उस जीरो को हम पीछे लिख लेते हैं, 50 पे 5, 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70, 70 में फिर जीरो आया, 7 रह गया, 7 दूनी 14, तो एलसीएम क्या बन गया बेटे इसका 14। देखो फिर से मल्टीप्लाई कैसे करिए, 2 गुना 5 10 हो गया, 10 गुना 5 50, 50 की जीरो लगा दी तो 5 रह गया, 5 गुना 7 35, 35 की गुना 2 से करी 70 हो गया, फिर जीरो लगा दी, 7 रह गया, 7 गुना 2 14, तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटे 3 बटे में 1400, तो हमारा क्या होगा एचसीएफ रहेगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही रहेगा यहाँ पे बेटे, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ऊपर वाली संख्याओं की वैल्यू ऊपर रखोगे, नीचे वाली संख्याओं की वैल्यू नीचे रखोगे। आगे क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2/3, 4/5 एंड 6/7। ऑप्शन है 48 के बटे में 105, 2 के बटे में 105, 1 के बटे 105, 24 के बटे में 105। तो सेम पिछला सा क्वेश्चन है बेटे, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ रहेगा और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम रहेगा। बेटे ये क्वेश्चन भी अब आपको सॉल्व करना है खुद को, और जो भी इसका आंसर बनता है वो आप हमें कमेंट से ही बताओगे। देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है, कितने को समझ में आ रहा है। आगे क्वेश्चन बेटे, अब है डेसिमल वाले नंबर, कि डेसिमल वाले में एचसीएफ कैसे निकालना है और एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ या फिर एलसीएम। तो सबसे पहली बात हम करने वाले हैं डेसिमल में, हम बेटे इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले में क्या कर सकते हैं कि सभी संख्याओं में पॉइंट के बाद के जो डिजिट हैं, अंक हैं, वे सभी में इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेसिमल वाले नंबर में पॉइंट के बाद के जो डिजिट हैं, अंक दे रखे हैं, वे सभी में बराबर होने चाहिए। जैसे 2.4, तो इसमें बेटे हमारा केवल एक ही अंक आ रहा है, 0.36 इसमें दो अंक आ रहे हैं, 7.2 इसमें बेटे एक अंक आ रहा है, तो मैं सभी के पॉइंट के बाद के अंक सेम कर दूंगा, तो 2.40
फिर डेसिमल वाले नंबर में हम जीरो लगा सकते हैं, कॉमा 0.36, कॉमा 7.2। हमने एक एक जीरो का यूज किया है, क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट जो अंक है वो केवल दो ही हैं, जो सबसे अधिक अंक आ रहे हैं वो केवल दो आ रहे हैं, तो मैंने सभी में पॉइंट के बाद दो दो अंक बना दिए। बनाना कैसे है कि जीरो लगा के, अब पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटे, 100 आएगा। कैसे आएगा, पॉइंट के बाद अगर दो अंक आ रहे हैं तो दो जीरो आएंगी, 0.36। इसके भी अगर पॉइंट को हटाते हैं डिवाइड में 100 आएगा, 7.20। इसके भी पॉइंट को हटाते हैं तो डिवाइड में क्या आएगा, 100 आएगा। अब इससे आगे फ्रैक्शन बन गया बेटे, तो न्यूमिरेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, क्योंकि क्वेश्चन ने एचसीएफ पूछा है, तो न्यूमिरेटर अंश जो होता है तो उसका हमें एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ निकालते हैं, तो सबसे पहले 36, 240 और 720। अब एचसीएफ की कंडीशन फिर से याद करो क्या थी, सारी संख्या किसी कॉमन संख्या से भाग होनी चाहिए। तो सारी संख्या किससे भाग हो जाएंगी बेटे, दो से हो जाएंगी, 2 से 18, 2 से 120, 2 से 360, फिर 2 से भाग हो जाएंगी 9, 2 से 60 पे, 2 से 180 पे। अब 3 से देखो, 3 से डिवाइड हो जाएंगी, 3 से 3, 3 से 20, 3 से 60। इससे आगे डिवाइड नहीं होगा बेटे, क्योंकि सबसे आगे आगे नंबर क्या आ गया, 3 आ गया, और 3 केवल 3 से डिवाइड जाएगा, और 3 से जाएगा तो 20 डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 × 2 = 4, और 4 × 3 = 12। एचसीएफ तो हो गया बेटे 12। अब नीचे वाली संख्या तीनों क्या है, 100 दे रखी है। अगर हमारे नंबर सेम दे रखे हैं तो उनका एचसीएफ निकालना हो या फिर एलसीएम निकालना हो, वो है बेटे उतना ही आता है जितनी वो संख्या दे रखी है। बेटे इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, वो 100 ही आ जाएगा। अगर सारी संख्या सेम दे रखी हो तो एचसीएफ भी वही आता है और एलसीएम भी वही आता है, तो आंसर क्या बन जाएगा बेटे, अब 12 है, इसके डिवाइड में क्या आएगा, 100 आ जाएगा। अब 100 का पॉइंट लगा देंगे तो 0.12 है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्यों दो जीरो है तो पॉइंट लगेगा दो अंक से पहले। क्लियर है बेटे, क्या किया है कि डेसिमल वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कि पॉइंट के बाद के जो अंक हैं वो सभी के क्या कर देंगे, समान कर देंगे। समान करने के बाद डेसिमल को हटा देंगे, डेसिमल जैसे ही हटाओगे तो फ्रैक्शन आएगी, और फ्रैक्शन बनेगी तो क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, अगर एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ, और एलसीएम पूछता है तो एलसीएम, न्यूमिरेटर का हम वही निकाल देंगे। अब नीचे वाली संख्याओं की बात करते हैं, नीचे वाली संख्या तीनों सेम आ रही है, 100, 100 और 100, तो बेटे इनका एलसीएम भी क्या आ जाएगा, फिर 100 ही आएगा। दूसरा और देखो बेटे कैसे कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका बेटे, शुरू में ही डेसिमल हटा लो, ना शुरू में ही क्या करना है, डेसिमल को हटा लेंगे। अब इन फ्रैक्शन को डिवाइड करना है, 2 से 12, 2 से 5, 4 से 9, 4 से 25, 2 से 36, 2 से 5, 2 से 5। याद तो करना है आपको पॉइंट के बाद के सारे अंक सेम करने हैं, या फिर यदि आप स्टार्टिंग में ही डेसिमल को हटा रहे हो तो डेसिमल हटाने के बाद आपको फ्रैक्शन को कट करना होगा, जो फ्रैक्शन हमारी कट हो रही है। अगर आप सीधा आंसर बनाओगे तो बेटा आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद फ्रैक्शन आ गई है, और फ्रैक्शन है
पूछा क्या है HCF, तो न्यूमिरेटर का हम क्या निकाल देंगे HCF और डिनोमिनेटर का हम निकाल देंगे LCM। लेकिन अब की बार आपको दोनों ही फ्रैक्शन सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। यदि पॉइंट के बाद के अंक सेम करते हो तो केवल आपको न्यूमिरेटर ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आगे क्वेश्चन बेटे, फाइंड द HCF 1.75, 5.6 और 7 दे रखा है, जिसके ऑप्शन है पहला ऑप्शन 0.35, दूसरा ऑप्शन 350, तीसरा ऑप्शन 3.5 और लास्ट का ऑप्शन है 35। तो बेटे जैसे पिछले क्वेश्चन बताया है कि हम डेसिमल के बाद के अंक क्या कर देंगे, सभी में सेम कर देंगे, सात पॉइंट जीरो जीरो, क्योंकि हाईएस्ट अंक कितने हैं पॉइंट के बाद, दो हैं 1.75 में, तो 5.6 दे रखा था इसमें एक जीरो लगा देंगे, लास्ट का नंबर है 7, इसमें पॉइंट ही नहीं है तो हम पॉइंट लगा के दो जीरो लगा लेंगे, पॉइंट को हटाएंगे बेटे, डिवाइड में क्या आएगा 100 आएगा, इसके भी डिवाइड में क्या आएगा बेटे 100 आएगा, और इसके भी डिवाइड में क्या हो जाएगा बेटे 100 आएगा। अब निकालना क्या है HCF, तो न्यूमिरेटर का क्या रहेगा HCF रहेगा, तो HCF निकालेंगे बेटे 175, 560 और 700, डिवाइड किससे हो जाएगा बेटे 5 से कर लेते हैं, 5 से 15 25, 5 पे हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 बच्चे का 20, 5 चौक 20, 140। अब सबसे आगे 35, 35 या तो 5 से भाग जाएगा या फिर 7 से, लेकिन 112 5 से भाग नहीं जाएगा, तो हम 5 से तो इसको भाग कर नहीं सकते, 7 की बात करते हैं, 7 से 35 भाग हो जाएगा, 7 से 112 भाग हो जाएगा और 7 से 140 भाग हो जाएगा, 7 से 5 पे भाग हो जाएगा, 7 एकम 7 4 बचेगा 42, 7 से 6 पे जाएगा, 7 दूनी 14 20 पे जाएगा, इससे आगे भाग नहीं होगा, तो हमारा HCF कितना बन गया बेटे 35, और LCM कितना आएगा बेटे 100 आएगा। 100 क्यों आएगा, क्योंकि सारे ही नंबर कैसे हैं सेम दे रखे हैं, जब सारे नंबर सेम है तो LCM सेम आ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 35 बटे में 100, और डेसिमल का यूज करते हैं 0.35, क्योंकि 100 में दो जीरो हैं तो पीछे से हम दो अंक काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। क्लियर है बेटे, एक क्वेश्चन और कर लो अब की बार, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में LCM निकालना है, डेसिमल का ही क्वेश्चन है, LCM निकालना है, एक बार सभी करके देखें और जो भी आंसर बन रहा है कमेंट में बताएं। 0.36, 1.2, 4.8, जिसके ऑप्शन 1.44, 72, 14.4, 36। तो बेटे डेसिमल के बाद के डिजिट सेम करेंगे, इसमें कितने हैं दो, इसमें एक और इसमें एक, तो सभी में दो दो कर देंगे, 0.36, 1.20 और 4.80। पॉइंट को हटाते हैं तो डिवाइड में क्या आएगा 100 आएगा, यहां पर भी 100 आएगा और यहां पर भी 100 आएगा। लेकिन अब की बार आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या पूछा है LCM पूछा है, तो ऊपर वाली संख्याओं का अब की बार LCM रहेगा, 36, 120 और 480 LCM निकालेंगे, 2 से डिवाइड 18, 60, 2 से डिवाइड 240, 2 से डिवाइड 9, 30, 120, 9 3 से डिवाइड जाएगा 3, 10, 40, 3 से डिवाइड कर लेंगे 1, 10, 40, 5 से डिवाइड कर लो 5 से 2 पे जाएगा, 5 से 8 पे जाएगा, 2 से
अब अकेली संख्या बच्ची है तो बेटा इसको चार ही रख लो, अगर कोई नंबर अकेला रह जाता है उसको उतना ही रख लेना। फिर दो गुना दो चार, चार गुना तीन बारह, बारह गुना में तीन छत्तीस, और छत्तीस के गुना कर रहे हैं सीधा दस से, पांच दून दस हो गया, तीन सौ साठ हो गया, और तीन सौ साठ की गुना कर लेंगे किससे, चार से, चार भी तो बाकी अभी जीरो, चार गुना छह करेंगे चौबीस, दो चार तीन बारह और दो चौदह, बेटे इसका जो एलसीएम आया वो है 1440। अब एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ कितना जाएगा, 100 आएगा, 100 क्यों आएगा, क्योंकि नंबर फिर से क्या है, सेम है, तो सेम नंबर का एलसीएम भी वही आएगा और एचसीएफ भी वही आएगा। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या बनेगा अब इसका, 1440 डिवाइड में 100, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 14.4 हो जाएगा बेटे, तो हमारा यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है, सभी को समझ आया होगा। बेटे आज की वीडियो में हम इतना ही कराएंगे, कल हम पार्ट लेके चलेंगे रेशो वाला, एचसीएफ एलसीएम में जो रेशो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें करने वाले हैं। जहां से आपको समझ नहीं आता है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा, जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे, और दूसरा जो मैंने बीच में एक दो क्वेश्चन छोड़े हैं उन्हें आप जरूर प्रैक्टिस करके देखें। नहीं आता है तो कमेंट में बताएं, अगर हो जाता है तो अपने आंसर भी हमें कमेंट में बताएं।